वॉचिंग ब्यूटीफुल सनशाइन। हम अपने फेस के लिए कितना कुछ करते हैं, वी कीप वॉशिंग इट, वी डू अप्लाई मॉइस्चराइजर, वी कीप हाइड्रेटिंग इट, बट वी डू द सेम फॉर आवर बॉडी स्किन एंड इफ वी डू ऑल्सो, क्या हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 डूज एंड डोंट्स दैट वी शुड टेक केयर बिफोर टेकिंग द केयर ऑफ आवर बॉडी स्किन। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Positivity. Let's get started with first do's, what we should do to take care of our body skin routine. First and most important thing is that we should keep our body hydrated. And the easiest and the simplest way to keep our body hydrated is by drinking a sufficient amount of water. In a recent search, I found that the amount of water required for a body differs from weather to climate and from gender to gender also. In fact, the amount of water required for a man is 4.5 liter per day and for women is 3.5 liter. Also, जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो आपको ज्यादा स्वेटिंग होता है, तो आपको अपने बॉडी को ज्यादा हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या कर सकते हैं? यू शुड इंक्लूड वाटर एनरिच फ्रूट्स इन योर डाइट, लाइक वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, दीज ऑल थिंग्स। ऑल्सो आपको वाटर रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स लेने की जरूरत है, जैसे कोकोनट ड्रिंक हो गया, लेमन ड्रिंक हो गया, ये सब। सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड टेक शावर विद हॉट वाटर बट नॉट ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस। इट्स ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ डिबेट बिटवीन द पीपल्स दैट आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बट इन अ रिसेंट सर्च आई फाउंड दैट यू शुड बाथ विद हॉट वाटर बट नॉट ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस। जैसे गर्म पानी से नहाने के लिए क्या रहता है, आपकी बॉडी से स्ट्रेस निकल जाता है, जो भी डस्ट रहते हैं वो रिमूव हो जाता है। Third point is that you should always bath twice a day. First in the morning, जो कि सभी लोग करते हैं, and also before the going to bed, you should take a bath to feel yourself refreshed and to remove all the dust from your body. Fourth point is that one should always take shower after workout. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है exercise and after that they don't go for shower. आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपके बॉडी से स्वेटिंग होता है, जो आपको बॉडी से स्वेटिंग रिमूव करने की जरूरत है। इसके लिए आपको शावर लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है टू रिमूव ऑल द बैड ऑडर एंड जर्म्स फ्रॉम योर बॉडी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ स्पा। स्पा बोलते ही आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैं आपको वो महंगे ट्रीटमेंट्स जो स्पा में होते हैं उसकी बात कर रही हूँ, बट नॉट। यू कैन हैव द बेनिफिट्स ऑफ स्पा एट होम ऑल्सो by using this M Caffeine body polishing kit. M Caffeine body polishing kit में क्या क्या होता है, इसमें तीन चीजें रहती है जो मेनली आपके बॉडी को रिक्वायर्ड रहती है। फर्स्ट इज द एक्सफोलिएशन, टूनिंग एंड मॉइस्चराइजर। एक्सफोलिएशन के लिए आपके पास है नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल विच इज ऑफ 100 ml। एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो रहता है वो है नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब जो कि 100 ml का रहता है। थर्ड इज नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी लोशन which is of 200 ml. अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट सम मेलोडियस सॉन्ग इन योर बैकग्राउंड एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद अ गुड मूड। टेक सम अमाउंट ऑफ ऑयल इन योर हैंड एंड जेंटली मसाज इन योर बॉडी इन सर्कुलर डायरेक्शन फॉर 10 to 15 minutes। ऑल्सो फॉर गुड रिजल्ट आप हॉट वाटर टावर ले सकते हैं और इसको अपने बॉडी पे ऐसे रख सकते हैं। इसमें रखने से आपके बॉडी पे जो ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। कैफीन, नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल में रहता है कॉफी, कैफीन, विटामिन ई, रोज हिप, आमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, आर्गन ऑयल, अरेबिका कॉफी विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा मॉइस्चर टू योर बॉडी एंड पॉलिशेज इट। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें, ये एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब। स्क्रब क्या करता है, आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करता है एंड आपकी बॉडी से डेड स्किन को रिमूव करके ये आपके बॉडी में ग्लो प्रोवाइड करता है। आपके रेगुलर यूजेस पे ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को भी रिमूव करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसमें कोकोनट ऑयल रहता है जो कि जेंटल टू स्किन रहता है। आफ्टर स्क्रबिंग योर बॉडी विद द स्क्रब, रिंस विद इट लुकवॉर्म वाटर। जो थर्ड स्टेप रहता है मॉइस्चराइजिंग का, वो आपको रोज करना है। इट हैज व्हाइट लिली, विटामिन ई, शिया बटर, ग्लिसरीन, कैफीन विच इज नॉट ग्रीसी टू योर स्किन एंड इट प्रोवाइड्स अमेजिंग मॉइस्चराइजिंग टू योर बॉडी। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स गेट स्टार्टेड विद डोंट्स, व्हाट वी शुड नॉट डू
स्किन टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी स्किन केयर रूटीन. फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट यू शुड अवॉइड यूजिंग इन योर बॉडी स्किन केयर रूटीन इज टेकिंग लॉन्ग शावर्स. अवॉइड यूजिंग लॉन्ग शावर्स. आई नो हाउ ग्रेट इट फील्स स्टैंडिंग अंडरनीथ ऑफ शावर एंड डूइंग बाथ, बट डोंट डू इट इन अ रेगुलर बेसिस एज इट रिमूव्स अ नेचुरल ऑयल फ्रॉम योर बॉडी. थिंक इज अवॉइड यूजिंग केमिकल एम्बेडेड सोप्स. जब भी आप मार्केट जाते हैं ऑलवेज चेक द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन अ सोप, इट शुड बी केमिकली फ्री. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट ऑलवेज इंक्लूड मॉइस्चराइजर इन योर बॉडी स्किन केयर रूटीन विच हैज SPF 30 और SPF 30++ एज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी रेज डैमेज. फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड डूइंग वैक्सिंग ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. I know how smooth it feels when you remove hair from your body, but don't do it on a frequent basis as hair protects it from outer damage to your skin. Fifth and most important point is that don't provide stress to your body. I understand in this frequent going world, to achieve success, we have to always be one step ahead, but always remember that health is wealth. So far we have discussed the 5 do's and don'ts that we should take care in our body skincare routine. Also you can include this MKFN body toning and polishing kit in your regular skincare routine. And one of the most and important point is that this kit is gender free. It can be used by both male and female. And literally this gives you experience of fresh and removes all your stress. So definitely use it. For buying it, you can check the link in description. Thank you for watching my video. Stay safe, stay at home, stay healthy, and grow with beauty.